जय हिंद। कल मदन सेठ की रिजल्ट आई है फाइनल मेरिट लिस्ट और आप सभी काफी चिंतित हैं, अचंभित हैं। फायरमैन अभ्यर्थी उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाने के बाद युवा छात्र ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो ये सच है कि अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? ये सच है कि आप सभी को अब चिंतित रहने की जरूरत है। लेकिन मैं अगर साफ शब्दों में कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी को डरना नहीं है, क्योंकि ये 76 पोस्ट की बहाली थी, ये मद निषेध सिपाही की बहाली थी। इसकी तैयारी बहुत पहले से युवा करते हैं कि फॉर्म जब भी आए, और आपको पता है कि रिटर्न वही फॉर्म भरा है और वही दिमाग लगाया है रिटर्न में जो जिसका दौड़ अच्छा था, दौड़ जिसका बढ़िया था, वो तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाएगी। लड़के काफी मेहनत से रिजल्ट ला दिए, अब रिजल्ट लाने के बाद फिजिकल उनका बना था, रिजल्ट आ गए, पोस्ट है 76, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई जाएगी। अब जो फायरमैन का एग्जाम हुआ है, सेम 8415 में भी ऐसे ही हुआ था, 365 पोस्ट का पहले रिजल्ट दे दिया और उसके बाद 8415 वाले हड़बड़ा गए थे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप फायरमैन की बहाली जो दे के आए हैं फिजिकल को, उनको बिल्कुल रिलैक्स रहने की जरूरत है। अगर आप मार्कोस टीम की बात सुनते हैं, अगर आप हमारी बात सुनते हैं, तो आपको एक बात मानने की जरूरत है कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस से हाई जाने वाला है, आप लिख के ले लो। अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, और मैं वीडियो बनाया हूँ सटीक कट ऑफ पे। 76 मार्क्स में पूरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, गोरखा सब पैक हो जाएगा, मतलब सभी की नौकरी हो जाएगी। ओनली वन अदर स्टेट जनरल यू आर अनरिजर्व का कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। और जो महिला अभ्यर्थी है वो 76 में सब जनरल वनरल सब पैक हो जाएगा, मतलब सबकी नौकरी हो जाएगी। तो समझने की जरूरत है। और पूरे बिहार के युवा छात्र से एक विनती करना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया है और उस प्यार के भरोसे ही मैं वीडियो को बनाता हूँ। तो आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी बिल्कुल अगर मेरी बात मानते हो और मेरी वीडियो देखते हो, वीडियो बढ़िया लगता है, तो एक बात आखिरी बात मानने की जरूरत है कि उदास मत हो। जो फिजिकल मार्क के आया है, जिसको मैं बोला हूं कि तुम्हारा होगा, उसका होगा, आप निश्चिंत रहे, नाराज ना हो और इंतजार करें। आपको मैं बोला हूं कि सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार करिए कुछ दिन और की बात, कुछ दिन और मेरिट लिस्ट का, बस कुछ दिन की बात है, रिजल्ट हो जाएगी, मेरिट हो जाएगी, समय का इंतजार किया जाए। और साथियों, जो मेरिट लिस्ट है फायरमैन की, वो आएगी कब, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कब आएगी और क्या डेट होगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।